वहाँ पे भी सम्यक दर्शन हो जाता है, क्यों नहीं हो जाता है? जाति स्मरण हो जाएगा, अथवा कोई देवता पूर्व भव का उसका हितैषी है जो देव बन गया, उसको जाकर के संबोधन कर देते हैं, अथवा मुनिराज जाकर के भी संबोधन कर देते हैं। आदिनाथ भगवान के 10 भाव नहीं पढ़े? आदिनाथ भगवान के 10 भाव नहीं पढ़े? भोग भूमि में जाकर के संबोधन दिया गया था। मुनिराज चला करके गए थे उस जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त कराने के लिए। जहां तक आदिनाथ भगवान के पूर्व भाव में 10 भावों में ही आती कथा, तो वहां पर मुनिराज भी जा सकते हैं अनुकंपा करके उस जीव के उद्धार के लिए। नहीं, सबसे बड़ी बात जो हम बताना चाह रहे हैं, व्यक्ति भले ही विषयों का भोग कर रहा है लेकिन वह अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करता है। जो उसे मिला है यदि उसमें ही संतुष्ट रहता है तो भी वो बहुत बड़े पतन से बच सकता है। पतन होता है व्यक्ति का 5 प्रकार के पापों के करने से, यानी वो उस गृहस्थ की भांति है जो गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर चुका है, वैवाहिक जीवन बिता रहा है, लेकिन जितना उसे मिला उसमें संतोष वृत्ति, हाय हाय नहीं, तृष्णा नहीं। तो यह है जो संतोष का गुण है वो उनके लिए अच्छी गति दे देता है अगले भव में। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? कहने का मतलब है संतोष धारण करना सीखो और पाप से बचोगे। तो होता यहां पर यह है, व्यक्ति को ना संतोष होता है ना ही वो पाप से बच पाता है। उसे जो मिला है उसमें संतुष्टि नहीं रहता, वो हमेशा दृष्टि दूसरों की ओर ही करता है। घर भी दूसरा चाहिए, उस जैसा चाहिए, गाड़ी भी उस जैसी चाहिए, कपड़े भी उस जैसे चाहिए। उस दूसरों को देखकर ही मनी मन वो मूर्छा का भाव इतना ला लेता है तो वो परिग्रह खूब जोड़ लेता है, और वह परिग्रह का भाव वो ऐसा पाप उसे नरक लेकर के जाता है। लेकिन भोग भूमिया जो जीव होते हैं पाप तो उस प्रकार के नहीं, तत्संबंधी राग संबंधी यदि उसे हम पाप गिने, क्योंकि राग का भी नाम भी एक पाप ही होता है, रागादि नाम उत्पत्ति रेव हिंसा, क्योंकि राग तो है, राग समाप्त नहीं हुआ उनका, लेकिन एक लिमिट के बाहर वो राग नहीं करते, ये कहा जा रहा है। नहीं, उस मर्यादा के बाहर उनका राग नहीं होता, ना द्वेष का भाव होता है, ना पाप का भाव होता है। इस वृत्ति के कारण वह देव बन जाते हैं। यानी जो व्यक्ति परिग्रह प्रमाण कर लेता है, समझो, वो अपनी इच्छाओं को सीमित कर देता है, और जो इच्छाओं को सीमित कर लेता है उसकी पाप वृत्ति अपने आप संकुचित होने लगती है। ऐसे जीव का कभी भी पतन नहीं होगा, उत्थान ही होगा। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? तो भोग भूमि के जीव भी हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं, सीखने की दृष्टि चाहिए। ऐसा नहीं वो भोग भोग रहे हैं तो हमेशा कुछ गलत ही कर रहे हैं। भले आपके पास साधन नहीं उतने, लेकिन भावों के माध्यम से व्यक्ति न जाने कितने प्रकार से पापों को करता ही चले जाता है, कितनी हिंसा कर जाता है, कितने बार वो झूठ बोल जाता है। वो लोग झूठ नहीं बोलते, भले सत्य महावृत्ति नहीं होते वो, लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे, वो चोरी नहीं करेंगे, लेकिन भावों से आज का व्यक्ति मनुष्य चोरी कर जाता है, भावों से कुशील का सेवन कर जाता है। यदि आप अपने तक ही सीमित हैं तो कोई इतना बड़ा पाप नहीं है। कोई महिला अथवा पुरुष सदार संतोष व्रत ले ले। सदार संतोष व्रत क्या कहता है जानते हो? क्या है, क्या नाम है उसका? ब्रह्मचर्य अणुव्रत। ब्रह्मचर्य व्रत है सदार संतोष व्रत, यानी वह अपने पति तक ही सीमित है तो ब्रह्मचर्य अणुव्रत की संज्ञा हो गई। क्यों अणुव्रत की, व्रत की संज्ञा क्यों हो गई? क्योंकि अन्य के प्रति उनकी दृष्टि पवित्र हो जाती है। तो भले ही वो भोग भूमिया जीव है, वो सिर्फ अपने संबंधी तक ही स्थित सीमित रहते हैं, अन्य के प्रति वो भाव भी नहीं लाते,
ये भाव की उत्पत्ति नहीं होना ही उनके लिए उत्थान का कारण हो जाती है। इस बात को समझे। तो आपको जो मिला है उसी में भी आप संतुष्ट हैं और अननेसेसरी आप इधर उधर की सोच पैदा नहीं कर रहे हैं, भाव खराब नहीं कर रहे हैं, तो भी कल्याण हो सकता है। हम ये कहना चाह रहे हैं। कर लोगे इतना? नहीं करोगे? आसान नहीं है। जब अड़ोस पड़ोस में झांक करके देखते हो ना, इतनी बड़ी बिल्डिंग उसकी हो गई, इतनी बड़ी कार उसके घर में आ गई, इतनी सुंदर सुंदर साड़ी है, इतना सुंदर गहना है, तो जी ललचा ही जाता है। नहीं ललचा जाता? ललचा जाता। समय आपका हो गया है, तय कहना। अब इसके अर्थ को कल देख लेंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। 40 श्लोक नंबर 40। कल्पांत काल पवनो धतवन्निकल्पं दावानलं ज्वलितमज्वलमत्स्फुलिंगं विश्वं जिघत्सुमेव सम्मुखमापतन्तं त्वन्नाम कीर्तन जलमशमयत्यशेषम्। कल किसी ने 39वें श्लोक में कुछ प्रश्न पूछा था मुक्ता फल को लेकर के, है ना। कल ये कहा था कि वो हाथी यदि मोतियों की माला हो तो वो विदारित होकर के खून के साथ लथपथ होकर के गिर जाती है। लेकिन इसका एक दूसरा अर्थ भी निकलता है, हाथी के मस्तक में भी मुक्ताएं होती हैं जिसे गजमुक्ता कहा जाता है। हाँ, गजमुक्ता भी होती है। गजमुक्ता जानते हो? जैसे आपने प्रथमानुग ग्रंथ पढ़ा होगा, एक उदाहरण आता है मनोवती का, जिसका नियम था प्रतिदिन गज मोती चढ़ा कर के ही प्रभु के दर्शन करना था, कि नहीं? ये कथा पढ़ी है ना, बड़ी अच्छी कथा है, श्रद्धा वाली कथा है, श्रद्धा को बढ़ाने वाली कथा है। देखो उस मनोवती की श्रद्धा कितनी गहरी थी और उसने कितना बड़ा नियम लिया था, प्रतिदिन गजमोती चढ़ा करके ही प्रभु के दर्शन भक्ति करूंगा। तो गजमोती क्या होते हैं? हाथी के मस्तक के निकलने वाला जो मोती होता है वो गजमोती कहलाता है। कैसा होता है वो? लगभग उसी रंग जैसा होता है, अभी वर्तमान में तो देखने को नहीं मिलते। हम लोग दिल्ली के पास खेखड़ा में थे, वहाँ एक जनाला है, वहाँ पे किसी व्यक्ति ने बताया दो गज मोती रखे हैं। हमने देखे, थोड़े से मटमैले से रंग के, बड़े बड़े साइज के हैं। हाँ, उसके मस्तक में ही रहते हैं, उसके मस्तक जैसे नाक मणि होती है, सुकर मणि होती है, गज मणि होती है, बिल्कुल वंश मणि होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की। जिस मोती को अपन जानते हैं वो तो सीप से निकलने वाली मोती होती है, लेकिन इनके अलावा पंचेंद्रीय जीवों के शरीर में भी कुछ मोती उत्पन्न होते हैं, मणियाँ उत्पन्न होती हैं। क्या पूछना है? हाँ, हाथी के, हाँ, हर हाथी के सिर में होते हैं कि नहीं ये तो नहीं कह सकते, अभी वर्तमान में तो देखने में नहीं आते। कुछ विशेष प्रजाति के ही हाथी होते हैं, चमकने वाले नहीं, वो तो अंदर ही रहते हैं। उसका जो मस्तक होता है, भाल होता है, उसके अंदर रहते हैं। जब वह सिंह आक्रमण करता है वो सीधे सबसे पहले उसके मस्तक पर अटैक करता है और विदारित कर देता है, चीर फाड़ करके उसका सिर अलग कर देता है। तो जब वो फाड़ करके अलग करता है तो उसके मस्तक के भीतर रहने वाले मोती जो हैं खून से लथपथ होकर के बाहर गिरे हुए होते हैं। एक यह भी अर्थ है मुक्ता फल प्रकर जो अपन कल 39वें श्लोक में आया था, भूषित भूमि भागा, यह भी अर्थ उससे निकलता है, वह भी ले सकते हैं। हाँ, अब 40वें श्लोक को देखिए। हाँ, इसका अर्थ क्या है श्लोक का? सर्वोत्तम इसके शब्दार्थ देख लें। सबसे प्रमुख बात इस श्लोक में है, अंतिम चरण में कही गई है, त्वन्नाम कीर्तन जलम। क्या विशेष बात है? त्वत नाम कीर्तन, हे प्रभु, हे आदिनाथ भगवन, आपके नाम का कीर्तन रूपी जल ही शमयति, शांत करता है।
बुझा देता है। क्या? अशेषम समस्त पूर्णतया बुझा देता है। क्या बुझाएगा? दावा नल वो बुझा देता है। यानी प्रभु का नाम स्मरण, प्रभु का नाम संकीर्तन, उनके नाम का उच्चारण जीवन में आने वाली लगने वाली बड़ी से बड़ी अग्नि को बुझाने में सामर्थ्यशाली होता है। जब अग्नि लग जाती है, दावा नल यानी वो भयंकर अग्नि जो वन में लगती है वैसी लग जाए, तो उसको शांत करने के लिए विशेष उस जल की आवश्यकता होती है। और वह जल जो है कैसे प्राप्त होता है? त्वन्नाम कीर्तन जलम शमयति अशेषम। हे प्रभु, आपका जो नाम कीर्तन रूपी जल ही है वही बुझाने में सहायक सिद्ध होता है। अब अपने जीवन में कौन कौन सी अग्नि है? नहीं, क्रोधाग्नि, कर्माग्नि, मुख्य जो अग्नि है कर्म रूपी अग्नि। और कौन से कर्म? पाप और कर्म रूपी अग्नि, वो भी सामान्य कर्माग्नि नहीं, तीव्र कठोर कर्म रूपी अग्नि। क्योंकि एक जो है लकड़ी जलती है सामान्य से, उसकी अग्नि उतनी प्रज्वलित नहीं होती है, उसकी लपटें जो है ज़्यादा ऊपर नहीं उठती हैं। लेकिन जो दावानल होती है ना, पूरे जंगल को जला करके रख देती है, वह अग्नि एकदम बहुत तीव्रतम होती है, उसकी लपटें बहुत ऊंची ऊंची उठने वाली होती हैं। और उससे भी भयानक अग्नि जो होती है कर्म रूपी अग्नि होती है कि नहीं? वर्तमान में तो सबकी कर्माग्नि जो है बड़ी खतरनाक है। हाँ है, सबके कर्म जो उदय आ रहे हैं बड़े खतरनाक है, कठोर किस्म के, या यूं कहें निधत्ती रूप, निकाचित रूप, तीव्र अनुभाग को लिए हुए ऐसे कठोर कर्म है, पाप रूपी कर्म है, जो पूर्ण रूप से कष्ट ही देते रहते हैं, उन कष्टों की शांति हो ही नहीं पाती है, कष्टों में कमी आती ही नहीं, परेशानियां घटती ही नहीं बल्कि बनी रहती और बढ़ते चले जाती है। प्रायः पंचम काल में जितने भी लोग हैं, जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य आदि हैं, चूँकि इस काल का नाम ही दुखमा काल है ना, कल अपन ने चर्चा की थी कल्प काल आदि की, पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, जो उत्तम भोग भूमि का काल है, मध्यम भोग भूमि का और जघन्य भोग भूमि का काल, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ काल जो होता है कर्म भूमि रूपी काल माना जाता है। सही कर्म व्यक्ति वहीं पर कर सकता है। कौन से कर्म? कर्म को काटने वाले भी कर्म और कर्म को कमाने वाले भी कर्म। जो कर्म को काटने वाले कर्म जो सीधे मोक्ष लेकर के जाते हैं वो भी चतुर्थ काल में ही होते हैं, और कर्म को अर्जित करने वाले जो सातवीं पृथ्वी तक लेकर यानी सातवें नरक तक लेकर के चले जाते हैं वह भी चतुर्थ काल में ही होते हैं। दोनों ही प्रकार के कर्म होते हैं, यानी इस कर्म से मतलब एक्टिविटी, क्रियाएं, यानी वे क्रियाएं जो अशुभ योग की और अशुभ उपयोग की क्रियाएं मानी जाती हैं, उन अशुभ योग की क्रियाओं के माध्यम से अथवा अशुभ उपयोग की क्रियाओं के माध्यम से ये संघी पंचेंद्रीय मनुष्य सातवें नरक तक चला जाता है। और यदि वह शुभ उपयोग की क्रियाएं करने लगे और शुभ उपयोग से बढ़ते बढ़ते शुद्धोपयोग की भूमिका में प्रवेश कर जाए तो वह कर्म उसको अष्ट कर्मों से मुक्ति दिलाने वाले साबित हो जाते हैं। समझ में आ रहा हमने क्या कहा? अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग और शुद्धोपयोग। अशुभ उपयोग यानी जो मिथ्या दृष्टि जीव करता है, पांच पाप की क्रियाएं, हिंसा आदि की क्रियाएं, सब अशुभ
योग की भी और अशुभ उपयोग की भी क्रियाएं मानी जाती हैं। लेकिन शुभ उपयोग की क्रिया जो सम्यक दृष्टि जीव करता है, यानी श्रावकों के षड आवश्यक का जो पालन कर रहा है, देव पूजा है, गुरु उपासना है, स्वाध्याय है, संयम है, तप है, दान आदि है, ये सारी की सारी शुभ उपयोग की क्रियाएं हैं। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो शुभ से भी बढ़कर के शुद्ध की दशा तक पहुंच जाते हैं, जिससे साक्षात मोक्ष की प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति होती है। वो कर्म भी कर्म भूमि में जहाँ चतुर्थ काल वर्तन करता है उसी समय होते हैं। होते हैं, सुना है नहीं सुना? स्वाध्याय तो बहुत किया होगा, इन शब्दों को तो सुना होगा कि नहीं? आप कौन सी क्रियाएं करते हैं प्रायः, शुभ की अशुभ की? शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य। तत्वार सूत्र यदि पढ़ा हो, छठवाध्याय पढ़ा हो, शुभ परिणाम से, शुभ योग की क्रिया से पुण्य का आश्रव, अशुभ योग से पाप का आश्रव। तो अशुभ कौन सी क्रिया है? मन से, वचन से, काय से होने वाली, मन से ने गलत चिंतन करना, हिंसा का चिंतन करना, चोरी का चिंतन करना, कुशील का चिंतन करना, ये अशुभ मन वाली क्रियाएं। अशुभ वचन वाली क्रियाएं, झूठ बोलना, कठोर वचनों का प्रयोग करना, अभद्र शब्दों का प्रयोग करना, कर्कश वचनों को बोलना, व्यंग्यात्मक वचनों को, कमेंट्स कसना, ये सब अशुभ वचन के माध्यम से होने वाली पाप की अशुभ क्रियाएं। और फिजिकली यानी शारीरिक रूप से होने वाली, किसी को मार ही देना, ऐसी हिंसा कर देना, चोरी ही कर लेना, परिग्रह को बहुत ज़्यादा जोड़ करके रखना आसक्ति भाव से, कुशील का ही सेवन कर जाना, ये सब काय से होने वाली अशुभ क्रियाएं हैं। तो यह अशुभ क्रियाएं अथवा अशुभ योग की एक्टिविटीज़ अथवा अशुभ उपयोग की क्रियाएं जो होती हैं, ये जो है सातवें नरक तक लेकर के चले जाती हैं अथवा सातवीं पृथ्वी तक पहुंचा देती हैं, ये भी चौथे काल में। लेकिन जो शुभ की हो जाती हैं, वो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह को छोड़ करके जो व्रतों का आचरण करने लगता है, पांच अणुव्रत अथवा महाव्रत पालन करने लगता है, अथवा व्रत ना भी ले, दान आदि की क्रिया, वैयावृत्ति की क्रियाएं, पूजा है, प्रभु पूजा है, वात्सल्य के जो भाव हैं, अच्छे मधुर वचनों का जो प्रयोग है, किसी की मदद आदि करना है, ये सारे के सारे जो दूसरों को अच्छी प्रतीत होती हैं, हितकारी होती हैं, उसके कल्याण में निमित्त बनती हैं, ये सारी शुभ की क्रियाएं, जिससे वो पुण्य का आश्रय कर लेता है। और जो शुद्ध की क्रियाएं होती हैं, वो ध्यानात्मक मुनि अवस्था में होने वाली शुद्धोपयोग की क्रियाएँ, पुण्य और पाप दोनों से ऊपर उठ करके ध्यान अवस्था में जो मुनिराज बैठते हैं, वो शुद्धोपयोग की दशा है, जिससे साक्षात कर्मों की निर्जरा बहुत अधिक होती है और केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह भी चौथे काल में ही होता है।